अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं इग्निश, ये मॉडल 2021 है, पेट्रोल वर्जन गाड़ी है ये। आज इसमें हम जो मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं वो एक तो इसमें हम फिल्म लगा रहे हैं, हीट कंट्रोल फिल्म, जैसे कि आपने पिछली कई वीडियो में देखा होगा कि हमने एक इनोवा पे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी गाड़ियां थी जिसमें हमने हीट कंट्रोल फिल्म इंस्टॉल की थी। तो आज वही चीज़ आज हम करने जा रहे हैं इसमें। और जो हीट कंट्रोल फिल्म है वो आज हम इसमें जो लगा रहे हैं वो ये गरवारे कंपनी की लगा रहे हैं। इस पर आप ये बैजिंग देख सकते हैं, तो ये हीट कंट्रोल फिल्म होती है। इसकी शेडिंग भी आप देख पा रहे होंगे हल्का सा, अगर वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। लेकिन इसकी हीट कंट्रोल की जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इधर ये काम चालू हो चुका है और आज हमारे साथ हैं अलीम भाई। अलीम भाई एक बार देखेंगे, ये अपने अलीम भाई हैं जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि गत्तों को खोल दिया गया है, इधर से मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, ये गत्तों को खोल दिया गया है और उधर अगले वाले गत्ते को खोल दिया गया है। ये कटिंग होनी भी चालू हो चुकी है फिल्म की। तो हीट कंट्रोल फिल्म क्योंकि गर्मियों में भी बहुत यूज होती है, लेकिन इस फिल्म का फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में भी अगर गाड़ी में आपने हीटिंग पावर अच्छी कर रखी है तो मतलब बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं जाएगी। अगर गर्मियों में है तो गाड़ी में जो बाहर की गर्मी है वो अंदर नहीं जाएगी। तो इस दोनों पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है। तो इस फिल्म को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इधर ये भैया ने कटिंग कर दी है, ये मैं दिखा देता हूँ। और आगे वीडियो पूरी देखिएगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है, मैं पूरा एक वे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स में हम गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस की अलग अलग तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो इसमें भी हम हीट कंट्रोल फिल्म के साथ दो तीन जो लुक्स को चेंज करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए इस तरीके से स्प्रे करके ग्लास पर जब इसको इंस्टॉल किया जाता है, ये आप देख सकते हैं ये पानी को फिल्म के नीचे से निकाला जा रहा है। बड़े प्यार से भाई इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म जो चीज़ होती है क्योंकि इस पर स्क्रैच आ जाता है तो कई बार ये ख़राब लगने लगती है। बबल्स को भी देखा जाता है इसके साथ साथ कि फिल्म के नीचे कोई बबल ना रहे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग को किया जा रहा है। इस तरीके से पहले इसकी ब्लेड से सफाई की जाती है कि कोई भी एक हार्ड डस्ट होती है जो शीशों पर लग जाती है कई बार, तो उसको हटाने के लिए इस तरीके से स्प्रे करके और ये बड़े प्यार से ब्लेड को चलाया जाता है जिससे इसकी प्रॉपर एक कटिंग, जो हार्ड जो मटेरियल है वो कट जाए, शीशे से हट जाए, उसके बाद फिल्म को इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि अगर उस हार्ड मटेरियल पर जब फिल्म आएगी तो एक बबल्स और एक तरीके से वो उठाऊ हुई चीज़ सी नज़र आएगी, तो जिससे फिल्म कई बार ख़राब भी हो जाती है और वहीं से फिर उसमें गैप बनना चालू हो जाता है। तो भैया ने वो साफ़ कर लिया है, अब स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे होने के बाद फिल्म इधर आप देख सकते हैं कटी हुई रखी हुई है, तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। और किस तरीके से फिल्म को ऊपर जो एक और पिन्नी होती है एक्स्ट्रा जो होती है लेयर होती है जो, उसको कैसे हटाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ।
ये पिछले डिग्गी का प्रोसेस चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं फिल्म की कटिंग प्रॉपर हो चुकी है साइडों से। पहले तो इसको हीट गन से, ये आप देख सकते हैं हीट गन, इस हीट गन से इसको प्रॉपर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बबल आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये प्रॉपर ठीक करे जाएंगे। जैसे भाई कर ही रहे हैं इस प्रोसेस को भी पूरा, आप देख सकते हैं 40% तो भाई ने इनको निकाल दिया है प्रॉपर। ये देखिए कपड़े से किस तरीके से इसको बैठाया जा रहा है। ऐसे बैठाने के बाद फिर इस पर हीट गन लगेगी, हीट गन से प्रॉपर यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हो गिलास के अंदर भी एक आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक के अलावा जो है हमारा व्यू वाला जो पोजिशन है, जो जिससे हम बाहर की तरफ देखते हैं, बैक साइड में देखते हैं, तो वो वाला व्यू है, उस पर प्रॉपर कटिंग होगी, फिर इसको अंदर से इंस्टॉल किया जाएगा फिल्म को। तो अभी जो प्रोसेस है वो बैक साइड का चालू करा है भाई ने, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वहाँ पर जैसे बबल आ रहे थे यहाँ पर नहीं है वो, तो उसी चीज़ को भाई ठीक कर रहे हैं। तो इसका पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हीट गन से करा जाएगा, वीडियो आप पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जैसा कि मैं वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अश्विन दीक्षित ब्लॉग्स में आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं हीट गन से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और ये आप देख पा रहे होंगे, मैं बॉर्डर टू बॉर्डर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। ये देखिए भैया ने स्प्रे मार के इसको प्रॉपर एक जो फिनिशिंग होती है वो दे दी है। अब इसको अंदर से इंस्टॉल करा जाएगा फिल्म को, क्योंकि अभी ये बाहर से कटिंग करके हीट गन से इसको प्रॉपर एक फिनिशिंग दे के भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है चालू कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी बबल नहीं है। और ये छोटे मोटे आपको जो दिख रहे हैं ये बाहर ही अभी दिख रहे हैं, जब अंदर फिल्म इंस्टॉल होगी तो आपको एक भी बबल नहीं दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि भैया किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, कटिंग बिल्कुल प्रॉपर ग्लास की, जो ये ब्लैक वाली चीज़ है इसको ऊपर थोड़ा सा लेके इसको कटिंग करेंगे, जो हमारा व्यू वाला पोजीशन है वो बिल्कुल ओके आएगा, इसमें बबल्स भी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप। ये कटिंग का प्रोसेस होता है पूरा। तो हमेशा जो दिक्कत आती है वो फ्रंट या रियर ग्लास में ही आती है, क्योंकि जो साइड की गिलास होते हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि जो गिलास होता है उसकी कटिंग भी बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे लेके हो जाती है और आराम से उसको बिठा दिया जाता है फिल्म को। लेकिन जो ये फ्रंट और बैक होता है, इसमें सिंगल पीस में अगर आपको फिल्म लगानी है तो इसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है उसको। आप ये सेम प्रोसेस ही होता है, पहले फिल्म को ज़्यादा काटा जाता है जैसे यहाँ पे काटा गया है, फिर उसको बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ा सा अप लेके फिर कटिंग की जाती है उसकी। तो ये पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और फिल्म को अंदर से भी ये इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले वो, जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया भी था आपको, कि पहले गिलास की सफाई की जाती है, क्योंकि कुछ हार्ड कैम कोई भी हार्ड चीज़ जैसे कि शीशे पे चिपक जाती है, थोड़े दाने दाने से होते हैं, तो उसके ऊपर जब फिल्म आती है तो बबल आपको दिखाई देते हैं, तो उसकी पहले इस ब्लेड से सफाई की जाती है, और ब्लेड को बड़े प्यार से चलाना होता है। अगर इस ब्लेड को खड़ा होकर ऐसे, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भाई इस ब्लेड को चला रहे हैं, तो ब्लेड को बड़े प्यार से चलाना होता है, जिससे कि गिलास पर कोई निशान ना आए या कोई स्क्रैचेस के निशान ना आए, इसलिए। तो इसको पहले प्रॉपर साफ़ करा है भाई ने, फिर इस पर दोबारा स्प्रे मारा जाएगा पानी का। स्प्रे मारने के बाद फिर फिल्म को जो एक लेयर होती है उसे हटा के फिर फिल्म को इंस्टॉल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और जो एक और मैं आपको बता रहा था कि इसमें लुक के लिए, थोड़ी लुक को और अच्छी करने के लिए हम एक स्टिकर, जो स्पोर्ट्स एनिमल प्रोड्यूस बाय स्पोर्ट्स का है, ये स्टिकर हम लगाएंगे आगे बोनट पे, और इसी के साथ साथ एक बैजिंग आपने देखी होगी, जो बैजिंग होती है मारुति की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्विफ्ट में भी हमने लगाई थी, तो ऐसे ही अपनी गाड़ी में हम डिग्गी पे पीछे की तरफ उसको इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिल्म को भैया ने अंदर से बैठा दिया, ये देखिए आप, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, ये अंदर से बैठा दिया। अब इसको जो टूल्स होते हैं फिल्म वाले,
उस टूल की हेल्प से इस पानी को देखिए, ये आपको पानी दिखाई दे रहा होगा जो हमारा शैम्पू के साथ एक पानी में मिला के इसको एक केमिकल तैयार किया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें। हालांकि वो केमिकल उसमें कुछ भी नहीं होता, वो शैम्पू ही होता है, लोग इसमें इजी भी यूज़ कर लेते हैं उस वाटर में। तो ये आप देख सकते हैं हाथ से बड़े प्यार से पहले तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर बिठाया जाएगा, उसके बाद जो टूल्स होते हैं उन टूल्स की सहायता से फिर इस पानी को बाहर निकाला जाएगा, जिस उसके बाद इसका फाइनल लुक निकल के आएगा। फाइनल लुक जब निकल के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिल्म को इंस्टॉल कर दिया गया और क्या इसकी बाद में लुक आता है, ओवरव्यू कैसा आता है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइनल ओवरलुक गाड़ी का कैसा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं फिल्म इंस्टॉल हो चुकी है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें गाड़ी में अंदर देखने में प्रॉब्लम हो रही है या अंदर से बाहर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बढ़िया लुक आ रहा है और क्योंकि फिल्म जब नई नई चढ़ती है तो 2 से 3 दिन उसको लग जाते हैं प्रॉपर वे में आने के लिए। तो इस तरीके से बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, आप बिल्कुल क्लियर आपको आगे की तरफ देख पा रहे होंगे। अंदर भी मैं नहीं बता सकता कैमरे में आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। ये देख सकते हैं आप गाड़ी में, अगर मैं जो खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा ओवर लुक आ रहा है गाड़ी का। और इसके साथ साथ हमने एक ये मारुति की वेजिंग लगाई है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक लुक्स के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ केवल। तो ये आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी को आपको चारों तरफ से ओवर लुक जो है गाड़ी का वो दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू जो भी है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इधर से देखिए। तो ये सारी चीज़ें हमने करी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्पोर्ट्स एनिमल वाला जो स्पोर्ट्स का स्टिकर था वो यहाँ पर इंस्टॉल किया है और आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश में इसका कैसा ओवरलुक आ रहा है। तो ये आप देखिए गाड़ी का ओवरलुक कैसा आ रहा है, फ्रंट से भी आपको पीछे का सारा कुछ आसानी से दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को आप अपना प्यार देते रहिए।